था और आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश था और ये जुलूस जो है वो, तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। और जब मैं घर पहुँच, अच्छा ये जो वीडियो ब्लॉग बना रहा है मेरा भतीजा बना रहा था, ज़्यादातर खवातीन और मर्द हजरात जो है बाहर आए हैं माँ बारगाह के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू दुख्तर क्वेटा। और आज सेवंथ महरम है और मैं आपको दिखाऊंगी कि क्वेटा में सेवंथ महरम की क्या सिचुएशन होते हैं। बिल्कुल भी रोड खाली हो चुके हैं, ये देखें यहाँ पे, ये मेन बाजार है और आप आम दिनों में यहाँ पे आए आप यकीन करें आपकी गाड़ी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चल सकती, रुक रुक के, यानी कि आपने चंद मिनटों का फासला जो है वो घंटों में तय करना पड़ता है। ये मिज़ान चौक है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जुलूस की तरफ लेके आई हूँ। यहाँ पे पासिस स्पेशली बनते हैं, वो पास मैंने बनाया हुआ था तो मैंने कहा था मैं अपने व्यूज़ को जरूर खाऊंगी क्योंकि क्वेटा में सेवंथ महरम क्या जुलूस कैसा होता है। यहाँ पे हमने पहले सबील भी लगी हुई थी, यहाँ से मैंने शरबत पिया और यहाँ पे तमाम मीडिया आई हुई है। यहाँ पे दिगर ये जो है ये इलाका बाजार है, प्रिंस रोड से सेवंथ महरम का जुलूस निकलता है और यहाँ पे मैं आपको मीडिया दिखा रही हूँ, इतनी सारी मीडिया यहाँ पे आई हुई है। इन स्पेशल जो कार्स मिलते हैं उस पर ही ये लोग अंदर आ सकते हैं और इस जुलूस को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा थी, पाक आर्मी थी, FC है, बलूचिस्तान कॉन्स्टेबल और पुलिस वालों की जो भारी नफरी थी वो तैनात थी। और यहाँ पे जो जुलूस है ना वो जोहरैन की नमाज के बाद जो है प्रिंस रोड के माँ बरगा किला से निकला था और आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश था। और ये जुलूस जो है वो 6 दस्तों पर मुश्तमिल था और आप यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी थी ना कि मैं आपको कहूँगी कि परिंदा जो है ना वो पर नहीं मार सकता था बगैर इनकी परमिशन के। तो इस टाइम तो बिल्कुल 3 या 4 बज रहे हैं, बल्कि 4 बज रहे हैं, हाँ जी 4 बज रहे हैं। और यहाँ पे साथ साथ जो बंदे हैं उनको जो सबील लगी हुई थी, पानी ज़्यादातर पानी की सबील थी, यानी कि शरबत वगैरह की पीने की चीज़ों की सबील ज़्यादा थी, खाने पीने का मुझे सबील ज़्यादा नज़र नहीं आई है। और धूप बहुत ज़्यादा थी और इसके साथ ही एम्बुलेंसेस भी थी, पहले भी एम्बुलेंस हम जब छोटे होते थे ना तो इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, इसलिए लोगों को इतना नहीं अवेयरनेस थी। तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। और जब मैं घर पहुँची तो मैंने कंप्यूटर ऑन किया क्योंकि मेरा आजकल जो ड्रीम है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपने भी मुझे अपना ड्रीम बताना है। और हाँ, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले क्योंकि क्वेटा के लोगों का भी हक बनता है कि कोई ना कोई उनको भी अप्रिशिएट करे और उनकी चीज़ लगे कि अप्रिशिएट होता है तो ही इंसान जो है वो आगे तरक्की करता है। और मेरा ख्वाब है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करूँ। मैं काम कर रही थी इस तरह, मेरे भतीजा मेरे पास आया, ये सोया हुआ था तो उसको मैं उठाने की कोशिश कर रही थी कि उठ जाए ताकि हम चाय शाय पी सकें। इसके बाद हमने चाय में जो है मैक्रोनी बनी थी, मैं पहले चाह रही थी कि आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँ तो वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैं डिजिटल बैठ गई थी कमाने के लिए, जो बिल्कुल भी अब तक मेरे लिए एक ख्वाब ही है। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर निकली बच्चों के साथ के, थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद कहूँ कि आज सात मुहर्रम का जो शाम है उसमें कितना रश होता है। यहाँ पे ये देखें, हम सात मुहर्रम के बाहर आए हैं, यहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन और मर्द हजरात जो है बाहर आए हैं माँ बारगाह गए हैं और मजालिस सुनने के लिए आए हुए हैं। अच्छा ये जो वीडियो ब्लॉग बना रहा है मेरा भतीजा बना रहा था क्योंकि मेरे गोद में मेरी छोटी सी भतीजी थी तो मैं मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, इससे थोड़े से शॉर्ट्स जो है वो हिले झुले से हैं तो माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन उसकी इस काम पे अप्रिशिएट करते हुए एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आपके मज़े मज़े के लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। उसके साथ ही इन्होंने कहा हमने आइसक्रीम खानी तो मैं इनको इग्लू की आइसक्रीम लेके दी और ये तमाम थोड़ी सी आइसक्रीम मैंने घर वालों के लिए भी ले ली ताकि हम घर जाके आराम से आइसक्रीम खा सकते हैं। और मैंने अपनी भतीजी के लिए भी एक आइसक्रीम ही ली थी। पेमेंट करने के बाद घर पहुंचे तो ये चॉकलेट वाली आइसक्रीम था, मुझे चॉकलेट बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे भतीजे शौक शौक से ये देखा खा रहे हैं। उसके बाद मैंने अपनी भतीजे को बुलाया कि तुम ले लो ये वाली भी, तो उसने ये आइसक्रीम इसे ले ली और आपको मैं दिखाती हूँ ये किस तरह मज़े मज़े से, ये देखिए जैसे मज़े मज़े से ये आइसक्रीम खा रही है, इसे खाना दो तो ये नहीं खाती और आइसक्रीम खाती। उसके बाद जो रात के खाने के लिए हम दही भुलिया बनी हुई थी यहाँ पे और खिचड़ी, क्योंकि गोश्त खा करके बुरा हाल हो रहा था, हलीम वगैरह खाई थी लास्ट ब्लॉक में मैंने आपसे शेयर किया था तो दिल नहीं कर रहा था इसलिए सादा खाना का दिल किया। तो फिर इसके बाद ही भाई ने कहा कि क्या खाना है, मैंने कहा मैंने आइसक्रीम खानी क्योंकि मेरी आइसक्रीम तो वो दूसरी वाली सही नहीं निकली, तो हमने हर आइसक्रीम जिसका लास्ट में ब्लॉग में बताया था आइसक्रीम मंगवा ली। और मेरी भतीजी फिर खड़े होगी कि पहले मुझे दो, तो मैंने उसको पहले दे दी आइसक्रीम और मुख्तलिफ फ्लेवर्स की आइसक्रीम थी और पिस्ता फ्लेवर मेरे पास आया था और मेरी भतीजी के पास भी पिस्ता फ्लेवर थे, तो इसको मैं उसे ये देखे कैसे चुवलियाँ मार रही है आइसक्रीम खिलाई इसको और साथ ही खुद भी आइसक्रीम खाई और साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती वस्ती भी की। और मेरा भतीजे ने क्या किया, छोटा वाले ने अपनी बहन का पहले अच्छी तरह सर पानी से गीला किया, उसके बाद उसकी क्यारी प्यारी से कंघी कर रहा है। ये देखें ये बहन भाइयों का जो प्यार होता है ना वो यही होता है और इस प्यार की जो कीमत है ना वो कोई भी अदा नहीं कर सकता। हाँ जब इंसान बड़े होता है जाते हैं और शादीशुदा हो जाते हैं फिर ना ये प्यार कहीं खो जाता है और पता नहीं क्यों खो जाता है। तो आज की ब्लॉग आपको अच्छा लगा, उम्मीद करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।